जी हाँ दोस्तों, हमने पिछले कुछ वीडियोस में मैंने आपको बहुत बार ऐसे प्रोजेक्ट्स लाकर बताए हैं, जैसे कि बाइनेंस लॉन्च पूल के ऊपर कोई ना कोई प्रोजेक्ट आता ही रहता है। लास्ट टाइम हमने NFP यानी कि NF प्रॉम्प्ट से अर्न किया था। सिमिलरली जो नया प्रोजेक्ट एक और आया था स्लीपलेस AI के नाम से, तो ये प्रोजेक्ट का जो पूल था ये भी लगभग एक हफ्ते का था, और ये एक हफ्ते का पूल खत्म हुआ और इसकी लिस्टिंग हुई है। लिस्टिंग होने के साथ साथ हमने इसका प्राइस देखा जो कि लगभग $2.5 तक गया था। अगर हम इसका कॉइन मार्केट कैप के ऊपर प्राइस देखते हैं तो ये लगभग $1.4 के आसपास गया था, यानी कि $1.5 के आसपास गया था। लेकिन बाइनेंस के ऊपर इसकी वैल्यू बहुत ऊपर गई थी, जो कि $2.5 से भी ऊपर गई थी, जिसकी वजह से बहुत लोगों ने अच्छा प्रॉफिट भी बनाया। एंड सबसे बड़ी चीज़ तो ये कि प्राइस ऊपर गया या नहीं गया, लेकिन ये सारे कॉइन्स हमें बिल्कुल फ्री में मिले थे, और फ्री में मिले कुछ लोगों को मिले, कुछ लोगों को नहीं मिले। जिन लोगों ने मिस कर दिया, जितने भी हमारे ट्रेडर्स हैं, उनके लिए मैं फिर से हमारा ये वीडियो लेकर आया हूँ, ताकि आपको ये दोबारा से ऑप्शन मिले कि आप इसमें अर्न कर पाओ। हमेशा की तरह टाइम कम होता जा रहा है इन लॉन्च पूल्स का। मे बी इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि पहले एक एक महीने का लॉन्च पूल होता था बाइनेंस के ऊपर, तो अभी बाइनेंस क्या कर रहा है कि छोटे छोटे लॉन्च पूल्स ला रहा है एक एक हफ्ते के। लेकिन आज का जो लॉन्च पूल है ये उससे भी छोटा है, जो कि एक्चुअल में 4 दिन का था, लेकिन अभी सिर्फ 3 दिन ही बचे हैं। तो अगर आपने पिछले लॉन्च पुल्स मिस किए हैं तो ये लॉन्च पुल को ध्यान से समझिए कैसे आपने इन्वेस्ट करना है। इन्वेस्ट तो क्या ही करना, आपने फार्मिंग करनी है, आपको एक रुपया भी नहीं लगेगा। आपको फ्री में यहाँ पे XAI कॉइन्स कैसे मिलने वाले, ये सब कुछ आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को अभी से लाइक कर दो, चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि आप तक हमारी लेटेस्ट वीडियोस हमेशा सबसे पहले पहुंचे, क्योंकि यहाँ पे मैं पूरा डिटेल में हर एक चीज़ बताता हूँ। लेकिन हमारी जो अपडेट्स हैं क्रिप्टो को लेकर, वो हम डालते हैं हमारे टेलीग्राम के ऊपर, वॉल्फ्रेड ऑफिशियल आप सर्च कर सकते हैं, या फिर आपको लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। हमारा ग्रुप भी है वॉल्फ्रेड डिस्कस के नाम से, जहाँ आप अपना कोई भी डाउट पूछ सकते हैं। जैसे कि अभी रेगुलर बेसिस पर डेली हर किसी का यही सवाल होता है कि कौन सा एक्सचेंज यूज़ करना चाहिए, क्या बाइनेंस से पैसा निकाल लेना चाहिए या नहीं निकालना चाहिए, ये सब कुछ आपको कहाँ मिलेगा, हमारे ग्रुप पे ही मिल जाएगा। आप मेरे साथ खुद भी पर्सनली डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन एक चीज मैं आपको हर बार बताता आ रहा हूँ लगभग 2-3 हफ्तों से, कि अभी ये जो बुरा समय चल रहा है उसके दौरान आप बिटमार्ट के ऊपर अकाउंट बना सकते हैं। बिटमार्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, क्योंकि बिटमार्ट अभी भी सिक्योरिटी में नहीं आया, तो अभी बिल्कुल सही चल रहा है। बिटमार्ट के ऊपर मैंने ट्रेडिंग भी करी है, रेगुलर बेसिस पर करता हूँ, और मैं फ्री में अभी गिव अवेज एंड एयरड्रॉप्स भी दे रहा हूँ, जो भी हमारे खुद के पर्सनल वॉफ ट्रेडर्स हैं जिन्होंने मेरे लिंक के साथ साइन अप किया है, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेकिन बाइनेंस का अगर बताऊं तो बाइनेंस डेफिनेटली सबसे अच्छा एक्सचेंज था, है भी है और रहेगा भी, और इसी की वजह से BNB का प्राइस भी बहुत अच्छा चल रहा है, जो कि $300 से ऊपर ही चल रहा है, लगभग $310-315 के आसपास अभी भी चल रहा है। इसका सबसे बड़ा रीज़न जो मैं आपको बताऊं तो चाहे बाइनेंस के ऊपर थोड़ा बुरा वक्त चल रहा है जो कि US में चल रहा है, लेकिन फिर भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। क्यों परफॉर्म कर रहा है? एक तो CZ ने बहुत अच्छी चाल चली, कि CZ ने वहाँ से स्टेप डाउन कर दिया, रिज़ाइन करके किसी और को इसका जो CEO है बना दिया। लेकिन उसके बाद BNB के प्राइस को पुश करने के लिए इन्होंने क्या किया कि लॉन्च पूल्स लगातार लाए, जैसे आपको स्टार्टिंग में बताया कि NFP आया, फिर स्लीपलेस AI आया, अभी XAI के नाम से एक नया प्रोजेक्ट आया जो कि आर्बिट्रम बेस्ड प्रोजेक्ट है। और इसमें यहाँ पे हम डिले इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि टाइम सिर्फ हमारे पास 3 दिन का है, और इतना बड़ा प्रोजेक्ट और वो भी आर्बिट्रम बेस्ड प्रोजेक्ट, तो इसलिए जल्द से जल्द हमें ये ग्रैब करना चाहिए, क्योंकि फ्री में कॉइन्स मिलने, जितने ज़्यादा मिल जाए उतना ही फायदा है। यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं XAI इज़ द वर्ल्ड्स फर्स्ट Layer 3 सोल्यूशन ऑफ AAA गेमिंग। तो ऐसा पहले ना तो कोई प्रोजेक्ट आया है और ना ही मुझे लगता है कि जल्दी आएगा। और एक और बड़ी चीज़ ये है कि XAI यहाँ पे एक नॉड रन करने का मौका दे रहे हैं, जो कि आप विंडोज़ के ऊपर यानी कि एक नॉर्मल लैपटॉप के ऊपर, डेस्कटॉप के ऊपर भी रन कर सकते हैं, इवन आप क्लाउड के ऊपर भी रन कर सकते हैं। अगर आपके पास मैक है या विंडोज़ लैपटॉप है उसके ऊपर आप रन करके यहाँ पे रिवॉर्ड्स ले सकते हैं। तो ये तो इसकी अपनी पर्सनल चीज़ होगी। लेकिन अगर हम बाइनेंस के ऊपर चलते हैं तो बाइनेंस के ऊपर आपको बताया कि यहाँ पे क्या होता है कि कोई भी कॉइन जब यहाँ पे ICO आता है, तो ICO जब बाइनेंस के ऊपर होता है तो इसकी वैल्यू बहुत ऊपर जाती है। फॉर एग्जाम्पल स्लीपलेस AI की आप देखोगे कि $1.4 तक ही गया था कॉइन मार्केट कैप के ऊपर, लेकिन बाइनेंस के ऊपर इसकी वैल्यू $2.5 से ऊपर भी गई है। तो जिन लोगों को मौका मिला होगा, शायद होपफुली उन्होंने यहाँ पे हाई प्राइस पे सेल भी किया होगा, वरना आने वाले समय हो सकता है कि यही प्रोजेक्ट हमें और भी प्रॉफिट दे दे। यानी कि अगर आपने सेल अभी तक AIs नहीं किए, तो कुछ आप सेल कर सकते हैं, कुछ आप होल्ड कर सकते हैं जो आप फ्यूचर में सेल कर सकते हैं। पहली बात तो ये। दूसरा है कि अभी बाइनेंस के ऊपर अगर आपने मिस कर दिया पिछले लॉन्च पूल, तो अभी आपको मौका मिल चुका है नए लॉन्च पूल में पार्टिसिपेट करने का, जिसको अगर आप कॉइन मार्केट कैप के ऊपर सर्च करोगे तो अभी कोई भी डाटा नहीं आएगा, $0 दिखा रहा है, सिर्फ इतना दिखा रहा है कि आर्बिट्रम के ऊपर इसका कॉन्ट्रैक्ट है, वेबसाइट सेम दिखा रहा है जो हमने अभी खोली थी, और डेटा यहाँ पे नहीं है। लेकिन जैसे यहाँ पे ICO हो जाएगा बाइनेंस के ऊपर, तो उसके बाद पूरा डेटा आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको अगेन 3 पूल्स मिलने वाले हैं, BNB पूल, FDST पूल, TST पूल।
तो इनमें स्टे का आपने करना है और रिडीम करने का ऑप्शन आपको हमेशा मिलने वाला है। और इंपॉर्टेंट चीज आपको बता दूं कि बीएनबी पूल होने की वजह से ही बीएनबी हमेशा स्ट्रांग रहता है, क्योंकि यहाँ पे स्टेकिंग लगातार चलती रहती है बीएनबी की, जिस कारण आपने देखा होगा कि बाइनेंस के ऊपर बुरा समय है लेकिन बीएनबी की वैल्यू फिर भी ऊपर ही जाती जा रही है और हमेशा ये ऐसे ही होने वाला है। बीएनबी पूल यहाँ पे भी आप देखोगे कि कितने बीएनबी तक स्टे किए जा सकते हैं, जो कि ऑलरेडी बीएनबी स्टेक हो चुके हैं, लगभग 14.6 मिलियन बीएनबी ऑलरेडी स्टेक हो चुके हैं। तो इतनी स्टेकिंग होगी तो बीएनबी की वैल्यू ऊपर जाएगी ही जाएगी, और आपने अगर बीएनबी लिया है तो बीएनबी की वैल्यू तो बढ़ी रही है, लेकिन उसको यहाँ पे स्टे कर दो, स्टे करके फार्मिंग होगी, फार्मिंग होगी तो आपको फ्री में, क्या कि फ्री में कॉइन्स मिलने वाले हैं। तो ये आपको दो तीन फायदे मिल रहे हैं। तो यहाँ पे जरूरी नहीं है कि आपके पास बीएनबी ही होना चाहिए, लेकिन अगर आपके पास कोई भी स्टेबल कॉइन पड़ा है उस स्टेबल कॉइन को या तो एफडीएसडी में कन्वर्ट कर लो या टीयूएसडी में कन्वर्ट कर लो, कन्वर्ट करके यहाँ पे स्टे कर दो, स्टेक पूरा का पूरा कर दो, यहाँ पे कोई भी हमें परेशानी नहीं आने वाली है। बाइनेंस है तो थोड़ा बहुत तो विश्वास होना चाहिए। तो इनका लॉन्च पूल बहुत अच्छा है। इवन मैं पहले हॉबी का जो प्राइम चल रहा था, हॉबी का प्राइम पूल चल रहा था, उसके ऊपर हमने म्यूजिक कॉइन्स, गाला म्यूजिक कॉइन्स अर्न किए TRX को स्टे करके। अब यहाँ पे हम जो स्टेक कर रहे हैं या फिर फार्म कर रहे हैं वो BNB, FDST, TUSD, इन तीनों को स्टेक करके यहाँ पे फार्मिंग कर रहे हैं। और बड़ी चीज़ ये है कि कभी भी स्टेक करो, कभी भी रिडीम करो, जितना चाहो उतना स्टेक करो, जितना चाहो उतना रिडीम कर लो, डायरेक्ट आपके स्पॉट वॉलेट में जाएगा। ऐसा नहीं कि समय लगेगा, आपने आपको ज़रूरत पड़ी तो आपको निकालना पड़ गया, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। और बड़ी चीज़ ये भी है कि जैसे यहाँ पे खत्म होगी, फार्मिंग खत्म होती है, तो आपका जो अमाउंट है डायरेक्टली आपके स्पॉट वॉलेट में डाल दिया जाता है, और जो भी आपका रिवॉर्ड बनता है, ये जो XAI का रिवॉर्ड बनेगा वो भी आपके स्पॉट वॉलेट में जाता रहेगा। एंड में तो चला ही जाएगा, लेकिन आपकी मर्जी, अगर आपने पहले निकालने तो आप अपने रिवॉर्ड्स को कभी भी क्लेम कर सकते हो। तो डेफिनेटली इस पूल को भी ट्राई ज़रूर करना, क्योंकि जब भी लॉन्च पूल्स आते हैं, अभी क्या है कि थोड़े थोड़े समय के आने लग गए हैं, पहले एक एक महीने का लॉन्च पूल आता था, अभी क्या कर दिया इन्होंने एक एक हफ्ते का कर दिया, और उससे भी छोटा ये लॉन्च पूल आया सिर्फ 4 दिन का। 4 दिन के लॉन्च पूल में जितने XAI अर्न्स होते हैं, अर्न होते हैं, उतने ज़्यादा कर लो, इकट्ठे करते रहो, और लिस्टिंग के साथ साथ अच्छे प्राइस पे सेल करो, ट्रेड करो, कुछ कॉइन्स रख लो ताकि आने वाले समय में आप उसको हाई प्राइस पे भी सेल कर पाओ, क्योंकि इनकी लिस्टिंग्स शुरुआत तो चाहे बाइनेंस से हो रही है, लेकिन आने वाले समय हो सकता है और भी एक्सचेंजेस के ऊपर हो, जैसे कि कॉइनबेस जैसे बड़े एक्सचेंजेस के ऊपर भी हो सकती हैं। तो वीडियो खत्म होने से पहले आपको ये भी बता देता हूँ, यहाँ पे स्टे का ऑप्शन है, ये आपको सेम मोबाइल के ऊपर दिखने वाला है। स्टे के ऊपर क्लिक करोगे, सारे के सारे कॉइन्स यहाँ पे स्टे कर दो, चाहे कम करने चाहे कम कर दो। फिर यहाँ पे रिडीम का ऑप्शन है, जितने स्टेक्ड हैं उनके उतने के उतने कॉइन्स को आप रिडीम कभी भी कर सकते हो। तीनों पूल्स आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं, डेली आप इनको क्लेम कर सकते हैं। तो अगर आपको फिर भी कोई डाउट है XAI लॉन्च पूल प्रोजेक्ट को लेकर, नीचे कमेंट करो, मैं आपका डाउट वहीं क्लियर कर दूंगा। हमारे टेलीग्राम के ऊपर भी आ सकते हैं आप, हमारा जो वॉरफेयर डिस्कस के नाम से ग्रुप है लॉन्च पूल के बारे में, वहां पे भी पूछ सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये प्रोजेक्ट अच्छा लगा होगा, हमारा जो कंटेंट है वो भी अच्छा लगा होगा। फ्री के कॉइन्स हैं, जितने मिलते हैं कमा लो, और इसी के साथ हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करते हुए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि आप तक आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन हमेशा पहुंच रहे। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।